लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में ठेलागाड़ी मजदूरों ने सिविल लाइन अम्बेडकर पार्क में किया प्रदर्शन। पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से उठाई मांग। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में ठेलागाड़ी मजदूर चालकों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़कर बंद किए जा रहे ठेलों को छोड़ने की मांग को लेकर सिविल लाइन के अम्बेडकर पार्क में ठेले वालों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। ठेलागाड़ी वालों की मांग है कि जैसे कि पूर्व की सरकारों ने गरीबों को ई बैटरी रिक्शा आदि चलाने के लिए निःशुल्क मुहैया कराई थी, उसी तरह हमें भी माल ढोने वाले वाहन निःशुल्क दिए जाएं ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और जब तक सरकार हमें निःशुल्क वाहन उपलब्ध नहीं कराती तब तक हमारे वाहनों को रोड पर चलने दिया जाए, उनको रोका ना जाए, और जिन वाहनों को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है उनको छोड़ा जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी 27 तारीख को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम आपका? आज हमारे लोकतंत्र बचाओ मोर्चे की एक मीटिंग है। इस मीटिंग का मेन मुद्दा जो है मोटरसाइकिल ठेला जुगाड़ है, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी के कारण हम लोगों ने मोटरसाइकिल जुगाड़ ठेला बना लिए जिसको प्रशासन चलाने नहीं दे रहा है। हमारी आज ये मांग है कि जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने ई बैटरी रिक्शा लोगों को निःशुल्क दिए थे, उसी तरह हमें भी माल ढोने वाले वाहन निःशुल्क दिए जाएं, और जब तक हमें सरकार निःशुल्क ये वाहन उपलब्ध नहीं करा देती है तब तक ये जो हमारे वाहन हैं इनको चलाने दिए जाए, इनको रोका ना जाए। जिन हमारे साथियों के जो जुगाड़ बंद कर लिए हैं उनको वापस कराए जाए। सत्तर आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? हमारी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 27 तारीख को सुबह से ही कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे और बड़ी सभा वहीं करेंगे जिसमें हमारे बीवी बच्चे सब होंगे।